लोग जरा समझे कि सियासत क्या हो रही है। दो शख्सियात उनका जरदारी साहब उन्हें पसंद नहीं करते। अब जो मर्जी तरदीदें करें, ये मेरे जाती मुशाहदे में जरदारी साहब नहीं पसंद करते खुर्शीद शाह को, जरदारी साहब नहीं पसंद करते चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी को, और ये दोनों शख्सियात इनका ज्यादा झुकाव मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है। जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे फारूक नाइक को जी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के इसरार पे फिर रजा रब्बानी चेयरमैन सेनेट बने। और जरदारी साहब एक खास वो लफ्ज में नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो नाम देते रहे रजा रब्बानी साहब को, बिल्कुल पसंद नहीं करते वो रजा रब्बानी कैंडिडेट। यानी ये इस तरह से चीजें, ये मुकमुका जो है ना, इस तरह से ऐसे खुल के सामने आ रहा है अब। और अब देखिए चीजें कैसे आया होंगी, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं कि इसमें जो इनके इनके जो कैंडिडेट जरदारी साहब के थे वो फारूक नाइक थे, मियां नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट हैं रजा रब्बानी। जिस दिन बिल पेश हो रहा हुआ तो रजा रब्बानी साहब बाहर चले गए और अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो मौजूद रहे और बिल पास हुआ। और साथ और इससे पहले मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, ये तो अभी बिल पास हुआ है ना जिसमें पीपल्स पार्टी का आ रहा है कि दो अरकीन कहां से लगे, उन्होंने वोट डाला। एक बिल 30 जून को भी पास हुआ था और वो बिल जो था वो था असासों से मुतलिक, असासा जात से मुतलिक, असासे जाहिर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उसमें फारूक नाइक साहब ने मुस्लिम लीग नवाज के हक में वोट डाला था। ये तो अभी कहानी खुली है, ये तो सेनेटी ने भी कहानी अचानक खुल गई है ना, ये काफी दिनों से खेल चल रहा है, ये इधर के वोट उधर की, तो अभी अचानक फारूक नाइक साहब ने वोट डाला था 30 जून को जब असासा जात का बिल पेश हुआ था तो मुस्लिम नून की हमायत ने वोट डाला था। और उस वक्त रजा रब्बानी उस वक्त ये यानी खामोशी से, यानी ये इधर उधर ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे यूं ऐसे जो कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ हुसैन साहब एक हैं, और मैं उसको इन तीनों को अब एक कह के फिर मैंने पार्टी का नाम भी इनको अनाउंस कर दिया है, मुस्लिम पीपल्स मूवमेंट, ठीक है ना, ये एक ही पार्टी है। अच्छा, अब इसमें खुर्शीद शाह का नाम ही डिस्कस नहीं हुआ, और इसमें यानी खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो ये बात तय है कि खुर्शीद शाह साहब अपनी जगह रहेंगे और खुर्शीद शाह साहब को जो उनको हटाए जाने की परेशानी है वो पीपल्स पार्टी को कम है, पीपल्स पार्टी को पता है कि वो नवाज शरीफ साहब की तरफ ज्यादा परेशानी है कि मेरा बंदा ना चला जाए कहीं जी। तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये जो खेल चल रहा है ना कि मुस्लिम लीग नून के इतने वोट और पीपल्स, मुस्लिम लीग नून के सारे वोट हाजिर हैं खुर्शीद शाह साहब के लिए, खुर्शीद शाह साहब के लिए मुस्लिम लीग नवाज के सारे वोट हाजिर हैं, फाटा के सारे वोट हाजिर हैं, पीपल्स पार्टी के सारे वोट हाजिर हैं, मौलाना फजलुर रहमान के सारे वोट हाजिर हैं। अगर उन्होंने ड्रामा ये करना होगा ना खेल थोड़े दिनों के लिए कि यार ये ऑपोजिशन ने, तो वो पीटीआई को नहीं लाएंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान के थोड़े दिन के लिए कहेंगे आप उधर बैठ जाएंगे, किसी बात में झगड़ा हो जाएगा अचानक झगड़ा हो गया इस्लामी शिक्के हैं ये वो करके, वो उधर से उधर बैठ जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान। ये सारा जो है ना एक ड्रामा चल रहा है, एक ड्रामेबाजियां हो रही है, और उसमें पीपल्स पार्टी अगर खुर्शीद शाह साहब के जरा से भी 3-4 वोट कम हुए ना तो उधर से अराकीन उठ के नून के खामोशी, वो ये खुर्शीद शाह सब डिस्कस ही नहीं हुए, इशू ही नहीं खुर्शीद शाह साहब को हटाना, नॉन इशू मैं आपसे कह रहा हूं ना, वो नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट हैं, और माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब के वज़रा जो हैं वो कहते हैं कि हमारा काम इतना नहीं किया मियां नवाज शरीफ साहब ने जितना खुर्शीद शाह का किया, ये नवाज शरीफ साहब के वज़रा कहते हैं।